अब तक भारत सरकार चंडीगढ़ में 1,000 करोड़ से ज्यादा केवल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत खर्च करेगी। आज जो योजना का उद्घाटन हुआ है, 24 घंटा पानी आप सभी को उपलब्ध होगा। मोबाइल में आज से बहनों को अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब भी आपको काम हो नल चालू कर दीजिएगा, पानी उपलब्ध होगा। स्मार्ट सिटी कंसेप्ट के तहत चंडीगढ़ को हमने संवारने का काम किया है। 5 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट करे हैं, 20 एकड़ जमीन में घन कचरे को साफ करने की व्यवस्था की है। चंडीगढ़ में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित कर ट्रैफिक को हमने नियमित करने का काम किया है, जिससे ट्रैफिक के उल्लंघन के 40% केस कम हुए और घातक सड़क हादसों में 31% की कमी आई है। जल जीवन मिशन के तहत पूरे देश के स्वच्छ पानी हर नागरिक को उपलब्ध, हर घर के अंदर नल से जल पहुंचे इसका प्रबंध हो, इसके लिए एक योजना मोदी जी अपनी दूसरी टर्म में लेकर आए। और आज मैं कह सकता हूं 15 करोड़ घरों में 7 साल के कम अंतर में 15 करोड़ घरों में पानी पहुंचाने का काम पूरा हो गया है। देश के 74% घरों में पीने का पानी स्वच्छ उपलब्ध हो गया है। पानी हम सबके जीवन में प्राण होता है और पानी के बगैर का जीवन असंभव है। पानी जब दूषित हो, जरूरी मात्रा में उपलब्ध न हो, तो जीवन में अनेक कठिनाइयां और रोगों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज से ये पूरे क्षेत्र के लिए 24 घंटा 365 दिन सबसे आधुनिक फिल्टर प्लांट में फिल्टर किया हुआ पानी आप सबको मिलने की शुरुआत हो रही है। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। चंडीगढ़ में शुरू से ही पानी, सीवर, स्टॉर्म वाटर, इसकी 100% सुविधाएं बनाई गई थी, परंतु कोई भी सुविधा आप बनाते हैं कितने साल तक सुचारू रूप से चल सके। आबादी बढ़ती जाती है, पाइपलाइनें पुरानी होती हैं, पानी की गुणवत्ता कमजोर होती है, तो फिल्ट्रेशन प्लांट को और आधुनिक बनाना पड़ता है, नई पाइपलाइनें बनानी पड़ती है और पानी की उपलब्धता भी बढ़ानी पड़ती है। इस सभी को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र के लिए आज जो योजना का उद्घाटन हुआ है, 24 घंटा पानी आप सभी को उपलब्ध होगा। मोबाइल में आज से बहनों को अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब भी आपको काम हो नल चालू कर दीजिएगा, पानी उपलब्ध होगा। कोई टैंकर नहीं होगा, पहला मजला हो या चौथा मजला, जरूरी प्रेशर के साथ मनी माजरा के पूरे क्षेत्र में 1,00,000 लोगों को पानी मिलने की आज से शुरुआत हो रही है। लगभग 75 करोड़ इसके पीछे खर्च हुआ है, 1,00,000 से ज्यादा आबादी को इसका फायदा मिलेगा और 855 एकड़ में फैली हुई ये बस्ती आबादी 22 किलोमीटर नई पाइपलाइन से अब 24 घंटा पानी की उपलब्धता होगी। जब पानी 24 घंटा देना होता है तो स्वाभाविक है अंडरग्राउंड रिजर्वर बनाए पड़ते हैं। यहां पर 2 विशाल रिजर्वर्स बनाकर 24 घंटे की उपलब्धता सुनिश्चित कर दिए हैं और स्मार्ट मीटर लगाने से लीकेज का खर्च भी अब आप पर नहीं आएगा। घर में भी लीकेज है तो तुरंत आइडेंटिफाई हो जाएगा और वीडीएफ पंप्स लगा
वीएफडी पंप्स लगाकर भी इसको प्रेशर ढंग से आए इस सारी व्यवस्थाओं को किया है। भाई और बहनों, जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने तब से ही इन्होंने स्मार्ट सिटी योजना को लागू कर हमारे शहरों को इसका जीवन स्तर को उठाने का प्रयास किया और सबसे पहली शहरों की जो सूची घोषित की गई उसमें हमारा चंडीगढ़ था और अब तक भारत सरकार चंडीगढ़ में 1,000 करोड़ से ज्यादा केवल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत खर्च कर रही है। और केवल शहर नहीं, जल जीवन मिशन के तहत पूरे देश के स्वच्छ पानी हर नागरिक को उपलब्ध हो, हर घर के अंदर नल से जल पहुंचे इसका प्रबंध हो, इसके लिए एक योजना मोदी जी अपनी दूसरी टर्म में लेकर आए और आज मैं कह सकता हूं 15 करोड़ घरों में 7 साल के कम अंतर में 15 करोड़ घरों में पानी पहुंचाने का काम पूरा हो गया है। देश के 74% 74% घरों में पीने का पानी स्वच्छ उपलब्ध हो गया है। और आंकड़े देखिए, एक नल से जल योजना, जल जीवन मिशन योजना शुरू होने के बाद डायरिया संबंधित मृत्यु में देश में 3 लाख की कमी आई। आप एक बात समझिए, ये योजना के पहले डायरिया संबंधित मृत्यु 4 लाख होते थे और अब उसमें 3 लाख की कमी आई है। लगभग 15 करोड़ घरों में पानी पहुंचा और 3 करोड़ कनेक्शन तो 2023 में दिए गए। और मैं आपको विश्वास देता हूं, मोदी 3 का कार्यकाल समाप्त होने के पहले देश के हर घर में नल से स्वच्छ जल पहुंचाने का प्रबंध प्रधानमंत्री जी पूरा कर चुके होंगे। भाई और बहनों, जहां तक चंडीगढ़ का सवाल है, स्मार्ट सिटी कंसेप्ट के तहत चंडीगढ़ को हमने संवारने का काम किया है। 5 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट करे हैं, 20 एकड़ जमीन में घन कचरे को साफ करने की व्यवस्था की है। चंडीगढ़ में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित कर ट्रैफिक को हमने नियमित करने का काम किया है, जिससे ट्रैफिक के उल्लंघन के 40% केस कम हुए और घातक सड़क हादसों में 31% की कमी आई है। भाइयों और बहनों, मोदी जी ने चंडीगढ़ के विकास के लिए ये 10 साल में टोटल 30,000 करोड़ का खर्च किया है। 29,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में और 500 करोड़ रुपया रेलवे के विकास के लिए अलग से काम करने का योजना नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं। भाई और बहनों, आज मैं जब यहां आया हूं तब आप सभी को बताने चाहता हूं, ये 10 साल 2014 से 24 के 10 साल हमारे देश के विकास के इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से अंकित होने वाले 10 साल है। जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहां पर मोदी जी ने परिवर्तन लाने का प्रयास किया। ये 10 साल में राष्ट्र ने अनेक प्रकार की उपलब्धि हासिल की है। चंद्र पर तिरंगा पहुंचाना हो, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर मुंह तोड़ जवाब हमारे दुश्मनों को देना हो, या धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा भारत का हिस्सा बनाना, चाहे राम मंदिर बनाना हो, चाहे रोड का जाला बुनकर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना हो, चाहे अंग्रेजों के जमाने रेलवे स्टेशन को नया बनाना हो, हर क्षेत्र में विकास का एक नए नजरिए वाला अनुभव इस देश की जनता ने किया है। स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया, अनेक प्रकार के इनिशिएटिव ने भारत को आज दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने का काम किया है। और इसी का कारण है कि सतत तीसरी बार 60 साल के बाद
सतत तीसरी बार देश की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है और एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 60 के दशक के पहली बार कोई एक व्यक्ति, कोई एक संगठन, कोई एक दलों का समूह पूर्ण बहुमत के साथ फिर से प्रधानमंत्री बन रहा है। एक प्रकार से देश की जनता ने मोदी जी के कामों पर थप्पा लगाने का काम किया है और मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, ये विपक्ष को जो चेंचे करनी है करने दीजिए, आप चिंता मत करिए, 29 में भी एनडीए ही आएगा, मोदी जी। उनको लगता है कि कुछ सफलता मिलने से हम चुनाव जीत गए। उनको ये मालूम नहीं है कि 3 चुनाव में कांग्रेस को जितनी सीटें मिली उससे ज्यादा सीटें बीजेपी इस चुनाव में जीती, ये उनको मालूम नहीं है। और उनके पूरे गठबंधन की टोटल जितनी सीटें हैं, अकेली एनडीए के एक ही दल बीजेपी की इनसे ज्यादा सीटें हैं। मैं ये लोग जो अस्थिरता फैलाना चाहते हैं, वो बार बार कहते हैं कि ये सरकार चलने वाली नहीं। मैं उनको एक विश्वास दिलाने आया हूं, उनको, विपक्ष के मित्रों को, जनता को तो भरोसा है ही, न केवल ये सरकार 5 साल पूरा करेगी, अगली टंबी इसी सरकार की है, विपक्ष में बैठने की तैयारी रखना और ढंग से ऑपोजिशन में काम करने की पद्धति सीख लेना। भाई और बहनों, जिस प्रकार से मोदी जी ने हर क्षेत्र के अंदर एक बड़े विजन के साथ काम किया, जब आजादी के 75 साल हुए तब कई बार इस देश ने 25 साल की आजादी का महोत्सव भी मनाया, 50 साल का भी मनाया, मगर वो महज एक सरकारी कार्यक्रम बनकर रह गया। जब 75 साल हुए, मोदी जी ने अमृत महोत्सव से घर घर में जाकर देशभक्ति जगाने का काम किया और न केवल देशभक्ति जगाई, 130 करोड़ लोगों को देश के साथ सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ने का काम किया और आज पूरा देश, 130 करोड़ लोग मोदी जी के नेतृत्व में ये अमृत महोत्सव के कार्यक्रम से संकल्पवान हुए हैं कि 2047 में महान भारत की रचना होगी, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा और हर क्षेत्र में भारत दुनिया में नंबर 1 होगा, ऐसा भारत हम 2047 में बनाएंगे। और ये 2047 तक की जो यात्रा है वो जनता के सहयोग, जनता के संकल्प के बगैर नहीं हो सकती। मैं आज भी आह्वान करना चाहता हूं चंडीगढ़ के वासियों का, हमने लिया हुआ एक एक शुभ संकल्प देश को विकसित देश बनाने के रास्ते पर आगे बढ़ाता है। एक बच्चा एक छोटा सा संकल्प लेता है कि मेरी थाली में मैं झूठा अन्न नहीं छोड़ूंगा पूरे जीवन भर, तो वो संकल्प देश को मजबूत करता है। एक बच्चा अगर संकल्प करता है कि मैं हर रोज माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर ही स्कूल जाऊंगा, तो वो संकल्प देश को मजबूत करता है। एक व्यापारी अगर संकल्प करता है कि मैं टैक्स की चोरी जीवन में नहीं करूंगा, तो वो संकल्प देश को मजबूत करता है। एक नागरिक अगर संकल्प करता है कि मैं ट्रैफिक के नियमों को कभी नहीं तोड़ूंगा, तो वो संकल्प भी देश को मजबूत करता है। और 130 करोड़ लोग एक कदम एक दिशा में आगे बढ़ते हैं तो देश 130 करोड़ कदम आगे बढ़ता है। यही चमत्कार है जो मोदी जी ने अब कर दिखाया है। 130 करोड़ संकल्पवान लोग भारत को विकसित भारत बनाने के लिए कटिबद्ध है और आज इसके सैकड़ों हजारों करोड़ों कामों की लड़ी में एक बहुत अच्छा काम चंडीगढ़ यूटी में हुआ है। 1 लाख लोगों को, जो हमारे शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा पानी होता है, वो शुद्ध पानी देने का,
उनको मैं आज यहाँ विश्वास दिलाकर जाता हूँ, आप विश्वास करिएगा, किसी को मिनरल वाटर लेने की जरूरत नहीं है, ये पानी अपने आप में ही इतना शुद्ध है।